हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोज। दोस्तों, रशिया, आर्मेनिया और इंडिया को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज के इस वीडियो को ना मैं दो लाइन देना चाहूंगा, रशिया का नुकसान, इंडिया का फायदा। क्योंकि आर्मेनिया का रशिया के CSTO ग्रुप से निकलना, ये एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है और रशिया के लिए एक सेटबैक होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं आर्मेनिया की। आर्मेनिया ना एक छोटा सा देश है जो पिछले कुछ टाइम से मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए इंडिया पर डिपेंड हो रहा है, क्योंकि अजरबैजान बहुत बड़ी वजह है और इंडिया भी आर्मेनिया को मदद भी करता है। हमने आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल सिस्टम और काफी सारी चीजें बेची है। आर्मेनिया का सबसे बड़ा थ्रेट आज के टाइम अजरबैजान है और इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। खैर, ये तो सबको मालूम होगा। अब एक रीसेंट डेवलपमेंट में आर्मेनिया ने अनाउंस किया है कि वो रशिया के CSTO यानी के कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप को छोड़ रहा है। समझने के लिए, CSTO ना एक मिनी नेटो जैसा ग्रुप है, यानी छोटा नेटो समझ सकते हैं आप, जिसमें 6 मेंबर्स है। उसमें से एक आर्मेनिया भी मौजूद था, लेकिन आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशियान ने कहा है कि उन्हें इस ग्रुप में रहने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि अजरबैजान के अटैक के बाद रशिया ने उनकी मदद नहीं की थी, जिसके चलते आर्मेनिया को नगरो कारोबा टेरिटरी अजरबैजान को दे देना पड़ा। और मैं ये डेवलपमेंट्स को बहुत ही केयरफुली मॉनिटर कर रहा हूँ गाइस। पास में मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था, कैसे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मेनिया को अपनी तरफ खींच रहे हैं, बेसिकली अपना एलाई बनाना चाहते है। यहाँ पर यूरोप यूनियन की चीफ उर्सुला वन डर लेयन और यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जर्मनी के ब्रुसेल्स में आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशियान के साथ मीटिंग रखते हैं। आर्मेनिया को यहाँ पर काफी सारी मोटी रकम, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं। एक तरह से आर्मेनिया को एंटी रशिया बनाने की कोशिश की जाती है वेस्ट के द्वारा। और अजीब बात यह है कि गाइस के ईरान एक मुस्लिम देश को छोड़कर क्रिश्चियन देश आर्मेनिया का साथ दे रहा है। लेकिन अगेन देखो, इस रीजियन में ना जियोपॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दोनों रशिया और ईरान धीरे धीरे अपने रिलेशंस अजरबैजान के साथ इंप्रूव कर रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया ने 1.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा अमाउंट ईरान को दिया है, ताकि अजरबैजान और ईरान के बीच में रेल की पटरी बिछाई जाए, ताकि इंडिया को कनेक्ट कर सके और इंडिया और रशिया दोनों को इसका फायदा होगा। इसके बारे में मैंने डिटेलली पुराने वीडियो में कहा था। फिर ईरान के केस में, ईरान ने रिसेंटली अजरबैजान में डैम इनॉग्रेट किया था और इब्राहिम रेसी यही डैम इनॉग्रेट कर ईरान वापस आ रहे थे। वापसी में इनकी डेट हो जाती है इसके बाद। वेरास आर्मेनिया के केस में, आर्मेनिया अपने दोनों मित्र देश रशिया और ईरान दोनों को धीरे धीरे कर खो रहा है और यूरोप USA की तरफ बहुत ज्यादा झुक रहा है, जो ईरान और रशिया इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि ये देशों के बीच हमेशा से ना 36 का आंकड़ा चलता रहा है। आर्मेनिया का रशिया के CSTO ग्रुप से निकलना, इस अनाउंसमेंट के बाद ना आर्मेनिया के लोगों में कन्फ्यूजन और गुस्सा देखने को मिला है। वो कहते हैं कि रशिया पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए अब वो इंडिया और फ्रांस की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, जिसके चलते इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री में रैपिड ग्रोथ हो रही है और आर्मेनिया को उम्मीद है कि ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसी चीजें फ्यूचर में इंडिया से ले सकते हैं, यानी कि ये परचेस भी कर सकते हैं। गाइस, ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आर्मेनिया को इंडिया रेगुलर बेसिस पे डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करके इंडिया अपनी एक स्ट्रांग रेपुटेशन बना सकता है ग्लोबली एज अ रिलायबल मिलिट्री सप्लायर, वो भी चीपेस्ट कॉस्ट पर, क्योंकि वेस्ट के डिफेंस इक्विपमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। फ्रांस भी आर्मेनिया को सपोर्ट करने के लिए रेडी है और दोनों मिलकर आर्मेनिया की सिक्योरिटी नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ना हाई पॉसिबिलिटीज है कि आर्मेनिया का अगर यही बिहेवियर रहा ना, तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के हो सकता है कि व्लादिमीर पुटिन आर्मेनिया में निकोल पशियान का तख्ता पलट करवा कर कोई प्रो रशियन लीडर को आर्मेनिया का प्राइम मिनिस्टर बना दे। सियासत बहुत बेचैनी होती है गाइस, कभी भी कुछ भी क्या भी हो सकता है यहाँ पर। अब ये बात तो क्लियर है कि रशिया का एक इम्पोर्टेंट डिफेंस क्लाइंट अब इंडिया और फ्रांस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन बाकी CSTO मेंबर्स जैसे कि बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के रशिया से अलग होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि उनके पास आर्मेनिया जैसा इमीडिएट थ्रेट तो अभी के लिए नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट्स में अपने थॉट्स और सजेशन जरूर लिखिए। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।